तो देखिए हमारे छोले बन रेडी हो चुके हैं। तो कैसे दिख रहे हैं हमारे छोले? तो आज हम बनाए जा रहे हैं काबली चने के छोले। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और थोड़ी लाल होने के बाद देखिए मैं यह छोले उबाल कर रखा हुआ है मैंने। देखिए मैं जीरा लाल हो चुका है तो मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूँगा इसमें। अब प्याज के पेस्ट डालकर थोड़ी देर चलाते हैं इसको, हल्की आँच पर इसको भूनते हैं। तो इसे मैंने पिसा हुआ मसाला मैंने डाल दिया, जो मैं घर का पिसा हुआ मसाला है उसे यूज़ करता हूँ। तो देखिए उसे चला दूँगा, फिर मैंने हल्दी डाल दिया और इसे दोनों को चलाते हैं, अच्छे चलाते रहें। जितना चलाएंगे अच्छे से मसाला भूनेंगे वो उतना अच्छा टेस्ट होगा। तब इसे मैं अपना टमाटर का पेस्ट डाल दूँगा और इसको भी अच्छे चलाएं। मैं अक्सर पिसा हुआ मसाला ही यूज़ करता हूँ, पिसा हुआ सब यूज़ करता हूँ। तो देखिए इसको अच्छे चला देंगे हम। अब इसमें मैं छोले मसाले डाल दिया मैंने और नमक डाल दिया इसमें और दोनों को अच्छे चलाएं, अच्छे चलाए उसको जितना अच्छे चलाएंगे वो अच्छा टेस्ट देगा। तो देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। तो मेरे स्टाइल में एक बार छोले बना कर देखें। अब इसमें काबली चने डाल दूंगा जो मैं उबाल कर रखा हुआ था और इसको अच्छे चला देंगे। तो वीडियो कहाँ कहाँ देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए आप लोग। और वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो मेरे देखिए छोले पक चुके हैं अच्छे से, तो मैं थोड़ी देर ढक देता हूँ। तो देखिए अब मेरे छोले ढके थे थोड़ी देर, अब देखते हैं कैसा छोला बना है। तो देखिए मेरा छोला बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइए कैसा मेरा छोला दिख रहा है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।